हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे पास एक पैनासोनिक कंपनी का फ़ोन आया हुआ है और जिसका मॉडल नंबर है पैनासोनिक P100। तो दोस्तों, ये है मेरे पास पैनासोनिक का P100 फ़ोन और इस फ़ोन में लगा हुआ है FRP लॉक, गूगल अकाउंट लॉक जिसे आप कहते हो। तो सिंपली इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि अगर आपके भी पास कोई पैनासोनिक का P100 फ़ोन है, उस फ़ोन में गूगल अकाउंट लॉक लगा हुआ है, तो कैसे बहुत ही आसानी से उसका गूगल अकाउंट लॉक बाईपास कर सकते हैं बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के, या फिर बिना किसी बॉक्स या बिना किसी डोंगल के इसको कैसे बाईपास करना है, वो इस वीडियो में हम सिखाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो कैसे इसको अनलॉक करना वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिंपल सा स्टेप है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है। अब आपको इसको बाईपास करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको बैक चले आना होगा। ठीक है, बैक आने के बाद आपको क्या करना होगा, इस विजन सेटिंग पे क्लिक कर देना होगा। इस विजन सेटिंग पे क्लिक कर देंगे आप, और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए टॉकबैक पे क्लिक कर देना है। टॉकबैक को इनेबल कर देना, ओके बटन पर क्लिक। जैसे ही आप टॉकबैक इनेबल करेंगे, आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस तरीके का ऑप्शन आने के बाद आपको एक बड़ा सा एल बनाना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, एल बना दीजिए दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे टॉकबैक सेटिंग पे चले जाना है और डबल टैप कर देना, दो बार टैप कर देना है यहाँ पे, और दो उंगलियाँ लेनी है, स्क्रॉल कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जाने के बाद यहाँ पे देखिए हेल्प एंड फीडबैक, इस पर चले जाना है, इस वाले पे, और उसके बाद यहाँ पे टैप कर देना है, बस इतना कर देना है दोस्तों आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए, ये वॉल्यूम अप और डाउन, ये बटन हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। वॉल्यूम अप और डाउन को इस तरीके से दबा के रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे लाइट्स, ये पोर्ट्रेट मोड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके का ऑप्शन आ चुका है, इस पर यहाँ पे टाइप कर देंगे, अनटिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। ये जो टॉकबैक है वो सस्पेंड हो चुका है दोस्तों। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा स्टेप है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा अबाउट स्विच एक्सेस, इस पर क्लिक करना है। अबाउट स्विच एक्सेस, आपके केस में ये ऊपर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद इस बात का आप खास ख्याल रखें कि ज़रूरी नहीं है कि ये वाला एक्शन अबाउट स्विच एक्सेस फॉर एंड्रॉयड, ये ज़रूरी नहीं कि एकदम फ्रंट पे ही हो, नीचे भी हो सकता है। तो ये सर्च कर लें, अबाउट स्विच एक्सेस फॉर एंड्रॉयड। अब आपको यहाँ पे कहीं पर भी टैप कर देना है, इस तरीके से। इस तरीके से टैप कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक का देखें, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक का देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अपने फ़ोन की FRP को बहुत ही आसानी से बाईपास कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर चले जाना है दोस्तों। थ्री डॉट पर जाने के बाद शेयर बटन पर क्लिक कर देना है, फिर से इस थ्री डॉट पर चले जाना है, और आपका एक बार YouTube दिखेगा, उसके बाद Google Chrome खुल जाएगा दोस्तों। अब आपको क्या करना मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद नो थैंक्स पे क्लिक कर देंगे, इतना करना है दोस्तों आपको। अब आपको यहाँ पे टैप कर देना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे टैप करना है VN ROM सर्च कर देना है, और सर्च कर देना है। ठीक है, VN ROM सर्च कर देने के बाद आपको इतना कर देना है, उसके बाद ये वाली साइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही ये साइट खुल जाती है, आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको स्क्रॉल करना नीचे की तरफ, और आपको दिख जाएगा यहाँ पे ये, जैसा कि आप देख पा रहेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये FRP VN, तो इस पर क्लिक कर देंगे आप, और यहाँ पे देखिए एक बार बैक पे क्लिक कर देंगे, फिर से हम एक बार इसी पे क्लिक कर देंगे, और इस बार इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये टच वर्क नहीं कर रहा, तो यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट करेंगे, अलाउ पे क्लिक कर देंगे, फिर से हम यहाँ पे इस तरीके से हो जाएंगे, और देखेंगे कि हमारा ये डाउनलोड हो रहा है या नहीं। तो सिंपल सा स्टेप है दोस्तों, यहाँ थ्री डॉट पर जाएंगे और डाउनलोड वाले सेक्शन में जाकर हम देख लेंगे कि ये डाउनलोड होना स्टार्ट है या नहीं। तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर एक बार कट बटन पर क्लिक कर देंगे, क्रॉस वाले पे ओके पे क्लिक कर देंगे, ताकि ये प्रॉपरली डाउनलोड हो सके। ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है। अब बैक करेंगे आप,
बैक करने के बाद आपको सिंपल सा स्टेप है, क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी पे जाएंगे दोस्तों, आपको नीचे फिर से चले जाना है और डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर में चले जाना है। यहाँ से इसको अनटिक कर देना है, डीएक्टिवेट दिस डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर पे चले जाना है। बैक बटन पे क्लिक कर देना दोस्तों, उसके बाद फिर से बैक बटन पर क्लिक कर देना है। इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे ऐप्स वाला सेक्शन दिख जाएगा, यहाँ पे चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ पे जाना है शो सिस्टम पे, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इतना कर देने के बाद आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिख जाएगा गूगल अकाउंट मैनेजर। ठीक है, गूगल अकाउंट मैनेजर यहाँ पे दिख जाएगा आपको, इस पर क्लिक कर देना है। डिसेबल पे क्लिक कर देना है, डिसेबल ऐप पे क्लिक कर देना है। बैक बटन पे जाना है, उसके बाद फिर से गूगल प्ले सर्विस दिख जाएगा आपको, इसको डिसेबल कर देना है। उसके बाद डिसेबल ऐप पे क्लिक करेंगे, बैक बटन पे चले जाएंगे। बैक बटन पे फिर से बैक बटन पे जाएंगे। अब यहाँ पे थ्री डॉट पे जाएंगे और यहाँ पे इस डाउनलोड वाले सेक्शन में चले जाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए इस तरीके का ऑप्शन आ चुका है। फिर से थ्री डॉट पे जाएंगे और इसको अननोन सोर्स को हटा देंगे। अननोन सोर्स को हटा देने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, इनेबल हो गया। बैक पे जाएंगे, फिर से एक बार टैप कर देंगे और यहाँ पे इंस्टॉल नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर से इंस्टॉल कर देंगे और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है दोस्तों, जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही आसान सा स्टेप है दोस्तों, बहुत ही ईजिली इसको बाईपास कर लेंगे हम। ठीक है, बहुत ही रेयर चांस है कि अगर आप इसको प्रॉपरली देख लेते हैं तो नहीं अनलॉक होगा। वैसे अगर आप अच्छे से एक बार वीडियो को देख लेते हैं तो आप 100% इसको अनलॉक कर पाएंगे। ठीक है, इस पर डन पे क्लिक कर दें, उसके बाद फिर से कट वाले बटन पे क्लिक कर दें। फिर से सेटिंग को ही आपको ओपन कर लेना है। अब आपको सेटिंग में जाना है और आपको यहाँ पे देखिए वो उसको इंस्टॉल करने के बाद अकाउंट वाले सेक्शन में चले जाना है, ऐड अकाउंट पे चले जाना। ये देखिए गूगल वाला सिस्टम आ चुका है। फिर से यहाँ पे क्लिक कर देना है और मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रिएट अकाउंट ऑप्शन आ चुका है। अब आपको मैं यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर एंटर करवा देता हूँ। तो दोस्तों मैं ये ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाल दी है और पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो सॉरी, थोड़ा सा मुझे पासवर्ड डालने में दिक्कत हो रही है क्योंकि इस फ़ोन का टच थोड़ा सा इशू कर रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको कर ले रहा हूँ रोटेट करके। सॉरी इस बार नहीं हुआ पासवर्ड, फिर से हम कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो कि आपका ईमेल एड्रेस था वो इसमें एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, इसमें ऐड हो चुका है और अब आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। बैक बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, बैक बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो फिर से आपको उसी सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाना होगा। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जैसे ही आप जाते हो यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर चले जाएंगे। एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे, एक्टिवेट दिस एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है। बैक बटन पे क्लिक कर देना है, वह फिर से बैक बटन पे क्लिक कर देना, ऐप्स वाले सेक्शन में चले जाना है यहाँ पे। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए इस बटन पे क्लिक करेंगे, डिसेबल वाले पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा ये, तो इस पर क्लिक कर देना है और इसको एनेबल कर देना है। लेकिन एक चीज़ अभी तक एनेबल नहीं हुई है, जो कि यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, शो सिस्टम पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए गूगल अकाउंट मैनेजर, जिसको भी डिसेबल किया गया था इसको भी कर दें एनेबल। जैसे ही आप इसको एनेबल कर देते हैं उसके बाद आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा स्टेप है दोस्तों, फ़ोन को कर देना है रिबूट। तो रिबूट हमने कर दिया है और ये दोस्तों रिबूट होने के बाद इस फ़ोन का जो कि टॉकबैक है वो एनेबल हो जाएगा। उसको फिर सस्पेंड करना होगा, उसका भी तरीका मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा ताकि आपको बेहतर से तरीके से नॉलेज प्रोवाइड हो सके दोस्तों।
तो अगर आपका कोई फ़ोन से रिलेटेड या इस फ़ोन के FRP बाईपास से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो में कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी दीजिएगा मुझे, और अगर आप लोग किस तरीके से और मैं इस वीडियोस को बेहतर कर सकता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा सजेशन ज़रूर दें दोस्तों। और आपको इस वीडियो में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इरिटेटिंग लगती हैं बताइएगा, मैं इसको जल्द से जल्द रिमूव करने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे एग्जिट बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे देखिए टॉकबैक ऑफ, इस पर क्लिक कर देना है। ये टॉकबैक ऑफ हो चुका है, और टॉकबैक इस समय ऑफ हो गया तो बट एक थोड़ी सी दिक्कत, उसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। विजन सेटिंग पे चले जाएंगे, क्लोज पे क्लिक करेंगे, वरी नॉट, टॉकबैक पे जाएंगे, ये ऑफ हो चुका ऑलरेडी, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। पीछे जाएंगे, फिर से पीछे जाएंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेटअप एज ए न्यू चेकिंग नेटवर्क, ये चेकिंग नेटवर्क कर रहा है। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करने के बाद अकाउंट एडेड लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपके फ़ोन में अकाउंट एडेड लिखा हुआ आ जाता है, इट मीन्स आपके फ़ोन का FRP बाईपास हो चुका है बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या तरीका था और कैसे बहुत ही आसानी से आपने इसको बाईपास कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काम का लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा या फिर आपका ज़रा भी हेल्प किया है ये वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपका इस वीडियो को देखने के बाद आपका फ़ोन अनलॉक नहीं हुआ तो प्लीज़ आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का कोई कीमती समय या कीमती वक्त ख़राब हो, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता तो प्लीज़ डिसलाइक करें, और मुझे डिसलाइक करने के साथ साथ एक कमेंट भी बताएं कि इसमें क्या कमियां थी, ताकि मैं अगेन कोई वीडियो दोबारा मैं बनाऊं तो उसमें कुछ कमियां हो तो उसको मैं ऑलरेडी पहले से ही सुधार लूं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहा है। तो दोस्तों इसको चेकिंग नेटवर्क ऑप्शन है, थोड़ा सा वेट करने को पड़ सकता है, तो इस थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ। सो फाइनली दोस्तों आपको जैसा कि मैंने बताया था अकाउंट एडिट का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे ईमेल आईडी है, नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक कर देंगे, जस्ट अ सेक का ऑप्शन आया है, थोड़ा सा वेट करना होगा, उसके बाद आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। और आगे का सेटअप मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आपका ये आपकी जो फ़ोन की FRP वो बाईपास हो चुकी होगी, ठीक है दोस्तों। ऑलमोस्ट 99.99% ये हो चुका है, बस थोड़ा सा सेटअप बाकी है, उसको भी हम सेटअप करके आपको सेटिंग में जाकर इसका मॉडल नंबर दिखा देंगे और वहीं पे इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो में कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और प्लीज़ अगर इस वीडियो में कुछ भी इरिटेटिंग हो या फिर आप क्या नहीं चाहते, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हों तो प्लीज़ बताएं, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर नहीं हैं तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर व्यूअर बन जाएं, ताकि इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। तो सिंपली इस स्किप बटन पे क्लिक कर देना है, और स्किप एनीवे पे क्लिक कर देना है, उसके बाद स्क्रॉल करना है, सेटअप लेटर पे क्लिक कर देना है, उसके बाद फाइनली आपका फ़ोन खुल गया है, जैसा कि आपके सामने है ये फ़ोन, वेलकम की स्क्रीन आ चुकी है, गॉट इट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका फ़ोन बहुत ही आसानी से खुल चुका है, अनलॉक हो चुका है। अब सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, और उसके बाद स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, अबाउट फ़ोन में चले जाएंगे, और आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए इसका मॉडल है P100, ठीक है, और एंड्रॉयड 7 पे वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड 7 पे वर्क कर रहा है, ये है एंड्रॉयड नॉगट, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।